आपको अच्छे से पता है कि कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है और ये पैटर्न में चेंज होने के बाद बहुत सारे मैथ्स के टीचर आके वो बता रहे हैं कि हम अभी भी कितने इंपॉर्टेंट हैं और हमारा इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ आज एक स्टूडेंट पूछता है कि मैडम क्या मतलब क्या होगा मैंने कहा देखो बात क्या है ना कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे और बगल वाले को चार थप्पड़ मारे तो थोड़ी सी कम बेजती महसूस होती है कि मुझे तो एक ही पड़ा तो मेरी हालत वही है एक थप्पड़ वाला क्योंकि मैथ्स को तो चार थप्पड़ पड़ गया नहीं राइट right फ्रॉम 200 मार्क्स को आप सीधा 60 मार्क्स है लेकिन हमारा भी कम हुआ है 45 मार्क्स के हैं लेकिन स्टिल स्टिल इंग्लिश अभी एसएससी का बेताज बादशाह है है ना याद रखिएगा पंद्रह क्वेश्चंस ज्यादा 45 मार्क्स की बढ़त आप ले सकते हो इंग्लिश में और इसका कोई मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सोच के नहीं बनाना रहता है जो सिनोनिम है वो सिनोनिम है जो एंटोनिम है वो एंटोनिम है एडियम्स एंड फ्रेजेस वही सेम और अगर आप पैसिव वॉइस एंड नरेशन देखोगे तो वो तो बस सेकेंड्स में होने वाले क्वेश्चन होते हैं तो इसी इसीलिए मैं तो खुश हूं यार मेरी इज्जत बच गई अदरवाइज तो सही मामले में देखा जाए तो मैच वाले मैच वाले जनते बेटा क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैच वालों को वो सब जगह बता रहे भाई हम अभी भी इम्पोर्टेंट है हम अभी भी इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंस उनके बहुत गंदे से कम हुई है इसीलिए मैं तो खाली बस बच के निकल गई मैं इसी में संतोष कर रही हूँ अदरवाइज आपको याद होगा मैं आपको करीबन तीन चार महीना पहले ही मैंने बता दिया था कि कंप्यूटर और क्रिटिकल रीजनिंग एड होने वाला है याद है ना तो कंप्यूटर और क्रिटिकल रीजनिंग एड हो गया है लेकिन उस समय मैं बहुत भयंकर टेंशन में थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि देखो जो भी होगा कहीं ऐसा ना हो इंग्लिश को कम कर दिया जाए क्योंकि मुझे पता था उथल पुथल होने वाला है और जीएस शामिल करने वाला है लेकिन थोड़ा सा मुझे डर था तो चलो एनीवे anyway, मेरी थोड़ी सी तसल्ली हुई कि मुझे मैथ्स से ज्यादा इज्जत मिल गया तो इसी में मेरी तसल्ली है बस इतना में मैं खुश हूं बाकी बेचारे मैथ्स वाले बहुत रो रहे हैं यहीं हम मुझे कोई मतलब नहीं मैथ्स इज इंपॉर्टेंट बट इंग्लिश में बहुत तेजी से बिना किसी तरह के प्रॉब्लम्स के आप बहुत तेजी से आगे बढ़ जाओगे क्योंकि बेटा फोर्टी मार्क्स का डिफरेंस बहुत मायने रखता है क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पता ही है तीन मार्क्स के